Uh, I am only going to comment on the context of what I have heard about the uh, or have my colleagues have seen. Let me just make it very clear. We think this is a, a propaganda piece uh, designed to push a particular discredited narrative. Um, the bias, a lack of objectivity, and frankly, a continuing colonial mindset is blatantly visible. If anything, uh, this film or documentary is a reflection on the agency and individuals that are peddling. Uh, this narrative again. Uh, it makes us wonder whether um, uh, about the purpose of this exercise and the agenda behind it. And frankly, we do not wish to dignify such efforts. Um, okay, fair enough. Uh, देखिए इसमें मैं जैसे कह रहा था कि हमारे मैंने ये इंडिया में ये आ, देख नहीं सकते रिव्यू नहीं कर सकते इसको ये बीबीसी टू में वहीं पे आ रही है पर हमारे दौर से ये प्रोपागेंडा पीस है Uh, और सिर्फ इसका एक कोई डिसक्रेडिटेड नैरेटिव जो कह रहा था उसी को बढ़ाने के, के लिए एक एफर्ट है इसमें एक बायस uh, जिसे कहते हैं और एक कंटिन्यूइंग कॉलोनियन माइंडसेट है और इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी नहीं है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है आप अगर उसको देखें uh, सिर्फ ये कहना चाहूँगा दिखता है कि इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स इसमें जुड़े हुए हैं इस क्लियरली uh, कोई एक इसी नैरेटिव को बढ़ा रहे है और इस नैरेटिव से इस स्टोरी से उसी का उन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्शन है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं ये और इससे हमें ये लगता है और ये प्रश्न आता है कि इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है और इसके पीछे क्या एजेंडा है और फ्रेंकली जैसे मैंने कहा हम इसके ऊपर कोई कोई जवाब ऐसा नहीं देना चाहते ताकि इस इस प्रोग्राम uh, या डॉक्यूमेंट्री को कोई डिग्निटी मिले कोई अच्छी तरह इसको कोई रिस्पॉन्स करें आप